हरिशंकर परसाई की कहानी जैसे उनके दिन फिरे। एक था राजा, राजा के चार लड़के थे। रानियां तो अनेक थी। महल में एक पिंजरा पोल ही खुला था, पर बड़ी रानी ने बाकी रानियों के पुत्रों को जहर देकर मार डाला था। और इस बात से राजा साहब बहुत प्रसन्न हुए थे, क्योंकि वे नीतिवान थे और जानते थे कि चाणक्य का आदेश ही राजा अपने पुत्रों को भेड़िया समझे। बड़ी रानी के चारों लड़के जल्दी ही राजगद्दी पर बैठना चाहते थे, इसलिए राजा साहब को बूढ़ा होना पड़ा। एक दिन राजा साहब ने चारों पुत्रों को बुलाकर कहा, पुत्रों, अब मेरी चौथी अवस्था आ गई है। दशरथ ने कान के पास के केश श्वेत होते ही राजगद्दी छोड़ दी थी। मेरे बाल खिचड़ी दिखते हैं, यद्यपि जब खिजाब घुल जाता है तब पूरा सिर श्वेत हो जाता है। मैं संन्यास लूंगा, तपस्या करूंगा, उस लोक को सुधारना है, ताकि तुम वहां आओ तो तुम्हारे लिए मैं राजगद्दी तैयार रख सकूं। आज मैंने तुम्हें यह बतलाने के लिए बुलाया है कि गद्दी पर चार के बैठ सकने लायक जगह नहीं है। अगर किसी प्रकार चारों समान गए तो आपस में धक्का मुक्की होगी और सभी गिरोगे। मगर मैं दशरथ सर की गलती नहीं करूंगा कि तुम में से किसी के साथ पक्षपात करूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लूंगा। तुम चारों ही राज्य से बाहर चले जाओ। ठीक एक साल बाद इसी फाल्गुन की पूर्णिमा को चारों दरबार में उपस्थित होना। मैं देखूंगा कि इस साल में किसने कितना धन कमाया और कौन सी योग्यता प्राप्त की। तब मैं मंत्री सलाह से, जिसे सर्वोत्तम समझूंगा, राजगद्दी दे दूंगा। जो आज्ञा, कहकर चारों ने राजा साहब को भक्तिहीन प्रणाम किया और राज्य के बाहर चले गए। पड़ोसी राज्य में पहुंचकर चारों राजकुमारों ने चार रास्ते पकड़े और अपने पुरुषार्थ तथा किस्मत को आजमाने चल पड़े। ठीक एक साल बाद फाल्गुन की पूर्णिमा को राजसभा में चारों लड़के हाजिर हुए। राज सिंहासन पर राजा साहब विराजमान थे। उनके पास ही कुछ नीचे आसन पर प्रधानमंत्री बैठे थे। आगे भाट, विदूषक और चाटुकार शोभा पा रहे थे। राजा ने कहा, पुत्रों, आज एक साल पूरा हुआ और तुम सब यहाँ हाजिर भी हो गए। मुझे उम्मीद थी कि इस एक साल में तुम में से तीन या बीमारी के शिकार हो जाओगे, या कोई एक शेष तीनों को मार डालेगा और मेरी समस्या हल हो जाएगी, पर तुम चारों यहाँ खड़े हो। खैर, अब तुम में से प्रत्येक मुझे बतलाएं कि किसने इस एक साल में क्या काम किया, कितना धन कमाया और राजा साहब ने बड़े पुत्र की ओर देखा। बड़ा पुत्र हाथ जोड़कर बोला, पिताजी, मैं जब दूसरे राज्य में पहुंचा तो मैंने विचार किया कि राजा के लिए ईमानदारी और परिश्रम बहुत आवश्यक गुण हैं। इसलिए मैं एक व्यापारी के यहाँ गया और उसके यहाँ बोरे ढोने का काम करने लगा। पीठ पर मैंने एक वर्ष बोरे ढोए हैं, परिश्रम किया है, ईमानदारी से धन कमाया है। मजदूरी में से बचाई हुई ये 100 स्वर्ण मुद्राएं ही मेरे पास हैं। मेरा विश्वास है कि मेरी ईमानदारी और परिश्रम ही राजा के लिए सबसे आवश्यक है और मुझ में ये हैं, इसलिए राजगद्दी का अधिकारी मैं हूँ। वह मौन हो गया। राजसभा में सन्नाटा छा गया। राजा ने दूसरे पुत्र को संकेत किया। वह बोला, पिताजी, मैंने राज्य से निकलने पर सोचा कि मैं राजकुमार हूँ, क्षत्रिय हूँ। क्षत्रिय बाहुबल पर भरोसा करता है, इसलिए मैंने पड़ोसी राज्य में जाकर डाकुओं का एक गिरोह संगठित किया और लूट मार करने लगा। धीरे धीरे मुझे राज्य कर्मचारियों का सहयोग मिलने लगा और मेरा काम खूब अच्छा चलने लगा। बड़े भाई, जिसके यहाँ काम करते थे, उसके यहाँ मैंने दो बार डाका डाला था। इस एक साल की कमाई में 5 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास हैं। मेरा विश्वास है कि राजा को साहसी और लुटेरा होना चाहिए, तभी वो राज्य का
विस्तार कर सकता है। ये दोनों गुण मुझ में हैं, इसलिए मैं ही राजगद्दी का उत्तराधिकारी हूँ। 5 लाख सुनते ही दरबारियों की आंखें फटी की फटी रह गईं। राजा के संकेत पर तीसरा कुमार बोला, देव मैंने उस राज्य में जाकर व्यापार किया। राजधानी में मेरी बहुत बड़ी दुकान थी। मैं घी में मूंगफली का तेल और शक्कर में रेत मिलाकर बेचा करता था। मैंने राजा से लेकर मजदूर तक साल भर घी शक्कर खिलाया। राज्य कर्मचारी मुझे पकड़ते नहीं थे क्योंकि उन सबको मैं मुनाफे में से हिस्सा दिया करता था। एक बार शुम राजा ने मुझसे पूछा कि शक्कर में यह रेत शरीर की क्या मिली रहती है। मैंने उत्तर दिया कि करुणा निधान, यह विशेष प्रकार की उच्च कोटि की खदानों से प्राप्त शक्कर है जो केवल राजा महाराजों के लिए मैं विदेश से मंगाता हूँ। राजा यह सुनकर बहुत खुश हुए। बड़े भाई जिस सेठ के यहाँ बोरे ढोते थे वो मेरा ही मिलावटी माल खाता था और बंजले लुटेरे भाई को भी मूंगफली का तेल मिला घी तथा रेत मिली शक्कर मैंने खिलाई है। मेरा विश्वास है कि राजा को बेईमान और धूर्त होना चाहिए, तभी उसका राज टिक सकता है। सीधे राजा को कोई एक दिन भी नहीं रहने देगा। मुझ में राजा के योग्य दोनों गुण हैं, इसलिए गद्दी का उत्तराधिकारी मैं हूँ। मेरी एक वर्ष की कमाई 10 लाख स्वर्ण मुद्राएं मेरे पास हैं। 10 लाख सुनकर दरबारियों की आंखें और फट गई। राजा ने तब सबसे छोटे कुमार की ओर देखा। छोटे कुमार की वेशभूषा और भावभंगिमा तीनों से भिन्न थी। वह शरीर पर अत्यंत सादे और मोटे कपड़े पहने था। पांव और सिर नंगे थे। उसके मुख पर बड़ी प्रसन्नता और आंखों में बड़ी करुणा थी। वो बोला, देव मैं जब दूसरे राज्य में पहुंचा तो मुझे पहले तो यह सुझा ही नहीं कि क्या करूं। कई दिन मैं भूखा प्यासा भटकता रहा। चलते चलते एक दिन मैं एक अट्टालिका के सामने पहुंचा। उस पर लिखा था सेवा आश्रम। मैं भीतर गया तो वहां 3-4 आदमी बैठे ढेर की ढेर स्वर्ण मुद्राएं गिन रहे थे। मैंने उनसे पूछा, बद्रू तुम्हारा धंधा क्या है? उनमें से एक बोला, त्याग और सेवा। मैंने कहा, बद्रो त्याग और सेवा तो धर्म है, ये धंधे कैसे हुए? वो आदमी चिढ़कर बोला, तेरी समझ में ये बात नहीं आएगी, जा अपना रास्ता ले। स्वर्ण पर मेरी ललचाई दृष्टि अटकी थी। मैंने पूछा, बद्रो तुमने इतना स्वर्ण कैसे पाया? वो आदमी बोला, धंधे से। मैंने पूछा, कौन सा धंधा? वो गुस्से में बोला, अभी बताया ना, सेवा और त्याग, तू क्या बहरा है? उनमें से एक को मेरी दशा देखकर दया आ गई। उसने कहा, तू क्या चाहता है? मैंने कहा, मैं भी आपका धंधा सीखना चाहता हूँ, मैं भी बहुत सा स्वर्ण कमाना चाहता हूँ। उस दयालु आदमी ने कहा, तो तू हमारे विद्यालय में भर्ती हो जा, हम एक सप्ताह में तुझे सेवा और त्याग के धंधे में पारंगत कर देंगे। शुल्क कुछ नहीं लिया जाएगा, पर जब तेरा धंधा चल पड़े तब श्रद्धानुसार गुरु दक्षिणा दे देना। पिताजी मैं सेवा आश्रम में शिक्षा प्राप्त करने लगा। मैं वहाँ राजसी ठाट से रहता, सुंदर वस्त्र पहनता, सुस्वादु भोजन करता, सुंदरिया पंखा जलती, सेवक हाथ जोड़े सामने खड़े रहते। अंतिम दिन मुझे आश्रम के प्रधान ने बुलाया और कहा, बस तू सब कलाएं सीख गया, भगवान का नाम लेकर कार्य आरंभ कर दे। उन्होंने मुझे ये मोटे सस्ते वस्त्र दिए और कहा, बाहर इन्हें पहनना, कर्ण के कवच कुंडल की तरह ये बदनामी से तेरी रक्षा करेंगे। जब तक तेरी अपनी अटालिका नहीं बन जाती तू इसी भवन में रह सकता है, जा भगवान तुझे सफलता दे। बस मैंने उसी दिन मानव सेवा संघ खोल दिया, प्रचार कर दिया कि मानव मात्र की सेवा करने का बेड़ा हमने उठाया है, हमें समाज की उन्नति करना है, देश को आगे बढ़ाना है, गरीबों भूखों नंगों अपाहिजों की हमें सहायता करनी है। हर व्यक्ति हमारे इस पुण्य कार्य में हाथ बटाएं, हमें मानव सेवा के लिए चंदा दें। पिताजी उस देश के निवासी बड़े भोले हैं, ऐसा कहने से भी चंदा देने लगे। मझले भैया से भी मैंने चंदा लिया था, बड़े भैया के सेठ ने भी दिया और बड़े भैया ने भी पेट काट कर 2 मुद्राएं रख दी। लुटेरे भाई ने भी मेरे चेलों को 1 सहस्त्र मुद्राएं दी थी, क्योंकि एक बार राजा के सैनिक जब उसे पकड़ने आए तो उसे आश्रम में मेरे चेलों ने छिपा लिया था।
पिताजी, राज्य का आधार धन है। राजा को प्रजा से धन वसूल करने की विद्या आनी चाहिए। प्रजा से प्रसन्नतापूर्वक धन खींच लेना राजा का आवश्यक गुण है। उसे बिना नस्तर लगाए खून निकालना आना चाहिए। मुझ में यह गुण है, इसलिए मैं ही राजगद्दी का अधिकारी हूँ। मैंने इस एक साल में चंदे से 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं कमाई जो मेरे पास हैं। 20 लाख सुनते ही दरबारियों की आंखें इतनी फटी कि कोरों से खून टपकने लगा। तब राजा ने मंत्री से पूछा, मंत्रीवर आपकी क्या राय है, चारों में कौन कुमार राजा होने के योग्य हैं? मंत्रीवर बोले, महाराज इसे सारी राज्यसभा समझती है कि सबसे छोटा कुमार ही सबसे योग्य है। उसने एक साल में 20 लाख मुद्राएं इकट्ठी की। उसमें अपने गुणों के सिवा शेष तीनों कुमारों के गुण भी हैं। बड़े जैसा परिश्रम उसके पास है। दूसरे कुमार के समान वो साहसी और लुटेरा भी है, तीसरे के समान बेईमान और धूर्त भी। अतएव उसे ही राजगद्दी दी जाए। मंत्री की बात सुनकर राज्यसभा ने ताली बजाई। दूसरे दिन छोटे राजकुमार का राज्याभिषेक हो गया। तीसरे दिन पड़ोसी राज्य की गुणवती राजकन्या से उसका विवाह भी हो गया। चौथे दिन मुनि की दया से उसे पुत्र रत्न प्राप्त हुआ और वह सुख से राज करने लगा। कहानी थी सो खत्म हुई। जैसे उनके दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर हाजिर हों। जय श्री राम।